विदिशा जिले के ग्यारसपुर के हैदरगढ़ थाना अंतर्गत हातमगढ़ गांव के दो व्यक्तियों को गोवंश बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को विदिशा कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू के मार्गदर्शन में व SDOP भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में हैदरगढ़ थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा ने टीम गठित की थी। 24 घंटे में ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि गत 8 जनवरी को दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हातमगढ़ एलचा के जंगल में गोवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। इस पर प्राथमिक कार्रवाई करते हुए फरियादी हेमराज साहू की रिपोर्ट पर संदेही सगीर खान और शाहरुख खान सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। परसों की बात है, जंगल में गोवंश के कुछ अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से वहाँ मौके पर जाकर अपन ने जांच की। जांच पर से फरियादी की तरफ से गौशाला अध्यक्ष हैं साहू जी, उनकी तरफ से FIR दर्ज की गई है और जो गोवंश के अवशेष मिले थे उनका PM कराया गया है और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें से एक आरोपी नाबालिग है, तो उसका अपन नाम नहीं बताएंगे, और दो शगीर करके हैं और शाहरुख करके हैं, इनको अपने गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया है। किन धाराओं में कार्रवाई होती है सर? इसमें पशु क्रूरता अधिनियम एवं गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। क्या पुराने भी कोई मामलों का खुलासा हुआ है? पुराने मामले में तो अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं बताई है, ये पहली घटना है अपने क्षेत्र में और अपन शक्ति करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्या कुछ और भी संदेह इसमें मामले में है? नहीं, अभी तो इसमें कोई और संदेह नहीं है, जितने भी आरोपी थे अपन ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।